हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ रोम्बस एंड पीक्यूआरएस एबीसीडी रोम्बस है। तो पहली बात तो हम रोम्बस बना ले, एक रोम्बस ले लेते हैं, ये हमने यहाँ पे रोम्बस बना लेना है। मान लो इधर बना लेते हैं, ये बना दिया, ठीक है। इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल उसके एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एंड रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट लेक्चर मैंने इस क्लास के फर्स्ट लेक्चर में ही समझा दिया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि एबीसीडी हमारा रोम्बस है, तो रोम्बस ले लेते हैं। ये ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट ये लो, ये हो गया पी, बी सी का मिड पॉइंट ये है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट ये हो गया आर, और इसका मिड पॉइंट ये हो गया एस, ठीक है। पी क्यू आर एस ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब इनको जोड़ने वाली जो लाइन है वो रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है, तो इनको जोड़ देते हैं हम लोग। इसी तरीके से, ठीक है, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया हमारा, ये बोल रहा है इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों मिड पॉइंट को अगर हमने जोड़ा तो उससे जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये प्रूफ करना तो सभी लोगों को आ गया, तो वो हम यहाँ प्रूफ कर लेंगे, पहले चीज वो हो गई। दूसरी बात, अब मेरे को पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की खासियत और क्या होती है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, एक बात। तो यहां पे देखो ये हमारा रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, और इसमें पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दोगे। अब इसमें कोई भी एक एंगल मुझे 90 डिग्री करना है, तो उसको कैसे करूंगा, तो उसमें डायगोनल बना के पहले डायगोनल दोनों जोड़ देंगे एसी और बीडी को, और मुझे पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं, तो वहां पे 90 डिग्री आ जाएगा। फिर ये छोटा जो पैरेललोग्राम बनेगा, छोटा जो क्वाड्रिलेटरल, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा और उसमें ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये सेंटर वाला 90 डिग्री होगा तो वो भी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले ये गिवन आप लिख लोगे, गिवन लिख लोगे, क्योंकि गिवन पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें टू प्रूव में क्या करना है, तो टू प्रूव में मुझे प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम और उसका एक एंगल 90 डिग्री, बस ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा किस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डायगोनल बना लो। तो कंस्ट्रक्शन लिख लो इसमें, बेसिक कंस्ट्रक्शन में लिख लो ज्वाइन AC एंड BD, ठीक है। AC को ज्वाइन करो और BD को ज्वाइन करो, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, वो डायगोनल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ देते हैं पहले एक ये डायगोनल भी ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने जो डायगोनल ने सेंटर पे इसको किया, तो इसको O मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको इस पॉइंट को E मान लो और इस पॉइंट को F मान लो, और मुझे पता है कि डायगोनल्स इसके एक दूसरे पे एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे, तो ये डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखो, देखो कि ये प्रूफ पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये
प्रूफ एज क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह आप पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे। जैसे यहां पे देखो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम किया, तो इतनी चीज तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ये मत लिख लेना एज क्वेश्चन नंबर वन, पेपर में थोड़ी लिखोगे ऐसे, आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन वन में किया। अच्छा, जब ये प्रूफ कर दिया हमने, फिर से बता देता हूं कैसे किया हमने, कि यहां पे देखो क्या किया हमने, इंट्रेंगल एडीसी, यहां पे एसआर जो है ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, और इंट्रेंगल में एसीडी में ये दोनों मिड पॉइंट होने के वजह से मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है। तो वही चीज हमने यहां कर दी, एसआर हो गया एसी का हाफ और उसके पैरेलल, ये दोनों बात यहां लिख दी। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल एबीसी में भी पीक्यू जो होगा वो एसी का हाफ और पैरेलल होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड से एस आर एसी के पैरेलल है, पीक्यू भी एसी के पैरेलल है, तो एस आर पीक्यू के पैरेलल हो जाएगा। एस आर एसी का हाफ है, पीक्यू भी एसी का हाफ है, तो एस आर पीक्यू के इक्वल भी हो जाएगा। अब किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरीके से ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। तो ये बात हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दी। अब जब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो मुझे क्या करना था, रेक्टेंगल बनाना था इसे। तो रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका एक एंगल 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम पी एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा क्वाड्रिलेटरल लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल पी एफ पीई ओ एफ, देखो पीई ओ एफ, इन क्वाड्रिलेटरल पीई ओ एफ, पहली चीज कि पी एफ इज पैरेलल टू ई ओ, यहां ध्यान से देखो क्यों होगा भैया, ये पी एफ ई ओ के पैरेलल क्यों होगा, पी एफ इज पैरेलल टू ई ओ इसीलिए होगा क्योंकि जो पी क्यू है वो पैरेलल है एसी के। अब पी क्यू एसी के पैरेलल क्यों होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से, कि किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट से जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होता है, ठीक है। तो पी एफ ई ओ के पैरेलल हो गया, और इसी तरीके से जो पी ई होगा वो पैरेलल होगा एफ ओ के, वो किस लिए होगा, तो क्योंकि जो ये पी एस है वो पैरेलल है किसके, बी डी के, पी एस इज पैरेलल टू बी डी, ये बात भी सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड क्या हो गया, पैरेलल, पी ई पी एफ ई ओ के पैरेलल और पी ई एफ ओ के पैरेलल। वी नो, लिखेंगे अब, वी नो इन क्वाड्रिलेटरल इफ इफ बोथ If both opposite pair of sides, we know in quadrilateral if both opposite pair of sides are equal and parallel. Are equal and parallel, then that quadrilateral is a क्या होगा, is a parallelogram. तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, कि quadrilateral PEOF is a again parallelogram. ये भी पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे कि इन पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम वी नो ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे देखना ध्यान से,
ऑपोजिट एंगल, तो इस वाले में देखो ओ के ऑपोजिट क्या है, पी, तो एंगल पी क्या लिखेंगे उसको, ई पी एफ, एंगल ई पी एफ इज इक्वल टू एंगल कौन सा, सेंटर में क्या था, ई ओ एफ, ई ओ एफ, देखो ध्यान से ये ई है ये ओ है एफ है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, ये भी ये मेरा ई पी एफ है और यहाँ ई ओ एफ है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ई पी एफ इज इक्वल टू ई ओ एफ है ना, क्या हो जाएगा ई ओ एफ, और ई ओ एफ मेरे को कितना डिग्री दे रखा है 90 डिग्री, क्यों लिखेंगे, सिंस डायगनल्स डायगनल्स ऑफ क्या, पैरेललोग्राम, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एट 90 डिग्री, ठीक है, तो ये तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल पी इज 90 डिग्री एंड इट इज अ पैरेललोग्राम, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये बात सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि रेक्टेंगल हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद जय भारत एंड जय श्री कृष्णा सभी लोगों को, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।